मेवात में अपराध पर कैसे लगे अंकुश, सांसद की प्रोटोकॉल में जीप, झगड़े की सूचना पर टेम्पो से जाते पुलिसकर्मी। कामा मेवात इलाके में अपराध में सबसे ज़्यादा चर्चित रहता है। ज़्यादातर लूट, फायरिंग, पथराव, दुष्कर्म, ठगी जैसी वारदातों के मामले दर्ज होते रहते हैं। सभी तरह के अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस हर समय मुस्तैदी से रहती है, लेकिन कामा पुलिस के पास संसाधनों की कमी है। कामा थाने में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सिर्फ एक ही बुलेरो कार है। अगर कहीं बड़ी वारदात हो जाए तो पर्याप्त जाप्ता बुलेरो कार में बैठकर कैसे जाए। इसके अलावा उसी बुलेरो को मंत्री, विधायक, सांसद के प्रोटोकॉल में भी दौड़ाया जाता है और थाने पर उस समय कोई सूचना आ जाए तो पुलिस निजी संसाधनों से घटना स्थल पर पहुँचती है। हाल ही में कामा क्षेत्र में मंगलवार रात्रि को करमुका गांव में प्रेत बाबा की मूर्ति टूटने के विवाद के दौरान कामा थाने के पुलिसकर्मी टेम्पो से घटना स्थल पर जाते हुए दिखाई दिए। उस समय कामा थाना पुलिस की जीप सांसद रंजीता कौली के प्रोटोकॉल में चल रही थी। ऐसे में प्राइवेट संसाधनों से अगर पुलिस घटना स्थल पर जाएगी तब तक अपराधी वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो सकते हैं। इसके अलावा मेवात इलाके में अपराध को लेकर नेताओं की नज़र मेवात इलाके पर लगी रहती है। वह भी समय समय पर मेवात इलाके में दौरे पर आते रहते हैं। उनके प्रोटोकॉल में भी वही एकमात्र जीप या बुलेरो को दौड़ाया जाता है और थाने पर संसाधनों का अभाव रहता है और थानों पर जो संसाधन अभी मौजूद हैं वह खटारा हालत में आए दिन खराब होते रहते हैं। कामा मेवात में किस थाने पर कितने वाहन हैं? कामा मेवात क्षेत्र में 5 थाने आते हैं, जिनमें कामा थाने पर 1 बुलेरो कार एवं 1 बाइक, पहाड़ी थाने पर 1 जीप व 1 बाइक, गोपालगढ़ थाने पर 1 बुलेरो कार व 1 बाइक, कैथवाड़ा थाने पर 1 जीप व 1 बाइक और जुरैरा थाने पर 1 जिप्सी व 1 बाइक संसाधन के तौर पर मौजूद हैं। जबकि अपराध के हिसाब से किया जाए तो संसाधन की बहुत बड़ी कमी है। एएसपी नहीं दे पाए संतुष्ट जवाब। मेवात क्षेत्र में संसाधनों के संदर्भ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत सिंह से वार्ता की गई तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से बचते हुए नजर आए। जब उनसे पूछा गया कि मेवात क्षेत्र में कितनी संसाधन हैं तो उन्होंने प्रश्न को टालते हुए कहा कि अभी इस संदर्भ में बात नहीं कर पाऊँगा, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। वहीं कामा क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। संसाधन का अभाव है। संसाधन के संदर्भ में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। प्रदीप यादव, डीएसपी कामा।